ओके यार, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग सम डेज ब्रेक फ्रॉम डेली ब्लॉगिंग। अस्सलामुअलैकुम। तो आप देख रहे हैं माँ बेटी रसोई एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ी अपडेट अभी तक की यही आ रही है, जो यूके राइडर हैं उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पोस्ट करी है, जिस पर उन्होंने एक छोटी सी वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो अभी व्लॉगिंग नहीं करेंगे कुछ टाइम तक। तो उन्होंने बोला है, भाइयों मुझे सपोर्ट करते रहिए, अभी मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा। तो इसके चलते अब कुछ लोग मतलब अपना भी जो बातें बना लेते हैं, उनका कहना है कि अभी व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका किसी से झगड़ा हो गया है, और कोई बोल रहा है वो व्लॉगिंग इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उनको उनके ऊपर केस हो गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले आप ये वाली वीडियो देखें। ओके यार, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग सम डेज ब्रेक फ्रॉम डेली ब्लॉगिंग। कुछ दिन तक ब्लॉग्स नहीं आएंगे। डेली ब्लॉग्स विल रिज्यूम सून। फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी और बने रहिएगा साथ में। बाकी गाइज, जितने भी अपडेट होंगे ना, वो सारे मैं आप ट्विटर पर दूंगा, तो ट्विटर पर जा करके फॉलो कर लेना गाइज। यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जाओ जा करके एटलीस्ट 10,000 तो फॉलोअर करवाई दो। नया नया ट्विटर अकाउंट खोला है, फॉलो कर लो फटाफट। तो जैसा कि आपने पूरी क्लिप देखी होगी, पहले उन्होंने बताया कि अभी वो व्लॉगिंग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने एक लिंक पे दिया, उन्होंने कहा मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो, एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स तो कर दो। इसका मतलब उनका यही है कि वो आ रहे हैं बिग बॉस में, जो कि अभी 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें आ रहे हैं यूके राइडर। जब उन्होंने ये क्लिप डाली थी तो उसकी कुछ दिन बाद हमें ये वाली फ़ोटो देखने को मिली उनकी, जो कि वो पहुंच चुके हैं बिग बॉस, जहां पर सारी शूटिंग वगैरह होती है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि यूके राइडर आ रहे हैं बिग बॉस में। तो इसके चलते जो उनके काफ़ी ज़्यादा जो मतलब उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी उनका मीटअप होता है तो मतलब पूरा एरिया ब्लॉक्ड हो जाता है जहां पर भी उनका मीटअप होता है। तो अब इसके चलते देखा जाएगा क्या इस बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिग बॉस OTT में एल्विश यादव और फुकरा इंसान में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, तो अब यूके राइडर का कंपटीशन कौन हो सकता है ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इसके चलते अब जो भी यूके राइडर के व्लॉग्स वगैरह हैं वो उन्होंने कहा है अभी नहीं आएगा, और हो सकता है जो उनके मैनेजर्स वगैरह हैं वो उस चीज़ को मैनेज करके व्लॉग वगैरह अपलोड करते रहें। बट उनका कहना यही है, इंस्टा और ट्विटर पे तो उन्हें की अपडेट्स मतलब डेली मिलती रहेगी, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें ट्विटर पर भी फॉलो कर लिया जाए। फिर इसके चलते उन्होंने अभी जो मतलब अभी कल ही समझें, कल ही उन्होंने वाली इंस्टा स्टोरी पोस्ट करी, आप देख सकते हैं। जैसा कि उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सैड हो रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आने वाला, तो उन्होंने ये इंस्टा स्टोरी पोस्ट करी, आप ये देख सकते हैं ना लो। और इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बाबू भैया व्लॉग कब व्लॉग कब, व्लॉग जल्दी आ जाएगा व्लॉग गाइस 4-5 दिनों में, टेंशन ना लो, थोड़ा सबर रखो यार, थोड़ा सा तो सबर रखो। और एक चीज बताऊं, एक ना नया स्लैंग आया दिमाग में, धरती पे कब्जा करना है भरोसे ना। बताओ ये स्लैंग कैसा लगा, वोट डाल रहा हूँ, बताओ धरती पे कब्जा करना है आप, धरती पे कब्जा। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि भाइयों सब्र करो, अभी व्लॉग आ जाएगा कुछ टाइम बाद। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब टाइम आ गया है इस धरती पे कब्जा करने का। धरती पे कब्जा करने का उनका मतलब यही है कि जो भी बिग बॉस में जाता है फिर उसकी जो फेम होती है वो और ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्विश यादव जब बिग बॉस से आए तो उनकी फेम और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और ज़्यादा उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, काम मिलने लगा उन्हें काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा उनके मीटअप्स भी होने लगे। तो इसके चलते यूके राइडर कहते हैं कि अब टाइम आ गया है धरती पे कब्जा करने का। तो अब देखते हैं कि जो यूके राइडर के फैंस हैं वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्या क्या मतलब होने वाला है जब बिग बॉस में आएंगे यूके राइडर, तो उनका कॉम्पिटिशन कौन बनने वाला है। तो इसके चलते ये भी सुना जा रहा है कि जो एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड है कीर्ति मेहरा, वो भी आ सकती हैं।